वो यही है कि हम लोग हमारा जो भी गेम है जिसको हम बोलते हैं कि मेरे लाइफ का गेम है, उसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे इसी के प्रति हम लोग अटैच रहते हैं। सोची कि आपके लाइफ में आप कौन से लेवल पर हो अभी, कि आर यू कमिटेड फॉर द एक्शंस और यू आर अटैच्ड विद द रिजल्ट्स। प्रतिबद्ध होगी नहीं आप कि आप कुछ जो एक्शंस लेनी है, या फिर आप उल्टा हो उसके कि आप रिजल्ट के साथ में अटैच्ड हो। सो जब जब आप कमिटेड रहते हो तो आपके साथ में क्या होता है, कमिटेड फॉर एक्शन जब रहते हो तो उसमें आप दिन भर एक्शन में रहोगे, आप जॉय का अनुभव करोगे, आपकी हेल्थ, हेल्थ का मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तीनों भी जोरदार रहेगी, आप इंटेंशन से भरपूर रहेंगे दिन भर, और आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो आपके पास आएगा, आप उधर नहीं जाओगे, वो आपके पास में आएगा। और बेसिकली एक लास्ट सवाल है मेरा कि अगर आप लाइफ के किसी गेम में हिस्सा नहीं ले रहे हो तो वो आपके जो टीम मेंबर्स है, मतलब आपके साथ जो दूसरे जो लोग हैं उन पर भी असर डाल रहे हैं, वो टीम का जो आपका गेम है उसको भी खराब कर रहे हैं, ये आप देखिए। तो ये भी सोचिए कि आपका आपकी जो लाइफ है वो आपको कौन से गेम दिन भर देती रहती है। सो फर्स्ट इज एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज, मतलब आप जब एक दूसरे को मिलते हो तब आप एक दूसरे का हालचाल पूछते हो क्या। लाइफ है ना, आपको क्या बोलते हैं, हर क्षण जब कोई व्यक्ति आता है तो आपको एक गेम ऑफर करती है कि चल ये गेम है अभी, कि इसका हालचाल पूछ और इसको बता कि तेरा हाल कैसा है और क्या है। सेकेंड इज वो आपको एक दूसरा गेम दे रहे हैं कि आपका जो भी करियर है उसमें आप शिखर पर जाओ, ऊंचाई पर जाओ, फटाफट आपके पास में और गेम आ रहा है कि आपकी फैमिली को आप सपोर्ट करो, दैट इज ऑल्सो गेम। लाइफ जो है आपको एक और गेम दे रही है कि आप आपकी फैमिली को सपोर्ट करो, सी आप खेल रहे हो कि नहीं। और भी लीडरशिप, लीडरशिप कहाँ कहाँ पर, कि आपके स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में, कम्युनिटी में, यहाँ पर आपको लाइफ गेम ऑफर कर रही है कि यहाँ पर आप लीडरशिप ले सकते हो। फिफ्थ इज शोक में डूबे किसी व्यक्ति से बात करना, कि आपके आसपास आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो दैट इज अ गेम फॉर यू, दैट कैन बी अ गेम फॉर यू, कि आप जाओ उस व्यक्ति के पास, उससे बातचीत करो, आपका उसको सिर्फ सुन लेना भर, आप सिर्फ उसको सुन लो पूरा, उसको सलाह भी मत दो, आप सिर्फ उसका दुख सुन लो, हो सकता है वो रिलेट हो जाएगा, आपको बोलेगा वाह यार अच्छा हो तू मेरे पास में आया, मेरा आज दिल हल्का हो गया। सिक्स्थ इज देखिए कहीं शादी है क्या आपके रिश्तेदारों में, दैट इज ऑल्सो गेम, वहां जाइए उनकी हेल्प कीजिए, उनके साथ में नाचिए। सेवन प्ले विद चिल्ड्रन, आपके आसपास देखिए कोई अगर बच्चा है तो उसके साथ में खेलिए, आपके दिन भर की थकान उतर जाएगी। दैट इज माय फेवरेट, कि मेरे आसपास अगर कोई बच्चा दिखता है उसका कोई भी गेम हो, कोई भी गेम, तो मैं उसके साथ में सम्मिलित होता हूँ। नाइन्थ इज सेवा, अब सेवा कहाँ कहाँ पर, भंडारे में, सत्संग में, शादियों में, या और किसी के अगर कोई फंक्शन है तो वहां पर आपका जाना और वहां पर उनका हाथ बटाना, दैट इज सेवा। टेंथ इज कि कोई अगर दो व्यक्ति है उनका अगर आपस में नहीं बन रहा तो दैट कैन ऑल्सो बी योर गेम, कि जाओ उन दोनों से बातचीत करो, उन दोनों का जो मन मुटाव है उसको आप दूर करो, दैट कैन बी ऑल्सो योर गेम, सी आपके आसपास देखिए ऐसा कोई गेम है क्या। इलेवेंथ इज टॉक टू समबडी व्हेन यू फाइंड हिम ऑन रॉन्ग पाथ, अगर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति जो आपका जान पहचान का है आपको दिखता है कि यार ये गलत राह पर जा रहा है, दैट कैन बी ऑल्सो योर गेम, कि इसको वापस आप सही रास्ते पर लाइए, उससे बातचीत कीजिए कि यार यू आर नॉट मेंट टू बी ऑन दैट पाथ, आपको आपके लिए वो रास्ता नहीं है। तो लास्ट है कि टीम में एक मेंबर है जो फिट नहीं है, अगर आपकी टीम में अगर आपको लगता है कि कोई एक मेंबर फिट नहीं है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी गेम है आपका, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसके जगह पर आप खेलोगे वो गेम, दैट कैन बी ऑल्सो योर गेम। सो लास्टली आप से पूछिए कि मेरी लाइफ की बराबरी का कौन सा गेम है, कि अगर मेरी लाइफ है तो मैं क्या करना चाहूँगा या क्या करना चाहूँगी कि जिससे लोग मुझे याद करें कि यार इसने ये वो गेम खेला, ये वो व्यक्ति है कि जिसने वो गेम खेला, उस गेम की वजह से आपको याद करें कि मेरे लाइफ का गेम क्या है।